नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। दोस्तों मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बाबा केदारनाथ यात्रा को लेकर, यदि आप सोनपैक से गौरीकुंड टैक्सी के माध्यम से जाना चाहते हैं या गौरीकुंड से सोनपैक तक टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं, तो वो जो वहां पर लाइन लग रहा है 2 से 2.5 घंटे का, उसे बाईपास कैसे करना है इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन पिछले साल की तरह निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन, हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप इस साल बाबा केदार की यात्रा पर आ रहे हैं और अब मई महीने के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए आप सोनपैक पहुँच जाते हैं, सोनपैक से गौरीकुंड जाने के लिए ही 2.5 से 3 घंटे का जो लाइन है उसमें आपको लगना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है गाड़ी है जो वह अवेलेबल हो पाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो ये टाइम है इसे कैसे आप बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपको जो है यदि आप सोनपैक पहुँच जाते हैं तो आपको सोनपैक में स्टे ले लेना है। स्टे लेकर दोस्तों आपको सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे जाकर जो है लाइन में लग जाना है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का यह जो सफ़र है आप आसानी से 1 घंटे के अंदर भी तय कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यह जो सफ़र है पैदल नहीं करना चाहते हैं, आप गाड़ी के माध्यम से ही करना चाहते हैं, तो आपको जो है सुबह 3.5 से 4 बजे उठकर जो है लाइन में जाकर लगना पड़ेगा। लाइन में जैसे आप लगेंगे तो दोस्तों मान के चलिए 3.5 से 4 बजे के बीच में यदि आप लाइन में लगते हैं तो सबसे पहले जो नंबर है वह आपका ही आने वाला है, क्योंकि दोस्तों सोनपैक के अंदर सुबह 6 बजे के बाद ही जो है लाइन लगना शुरू होता है। यदि आप 4 बजे पहुंच जाते हैं तो सबसे आगे लाइन में आप ही लगे होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप सबसे पहले लगे होंगे तो सबसे पहले आप ही जो बलैरो गाड़ी है उसके अंदर बैठकर गौरीकुंड तक पहुँच पाएंगे तथा अपना जो ट्रैक है वह जल्दी जो है शुरू भी कर पाएंगे। मान लीजिए यदि आप 4 बजे भी जाकर लाइन में लगते हैं तो आपको यदि 6 बजे वाला भी टैक्सी मिल जाता है, या मान के चलिए 5 बजे या 5:30 बजे वाला टैक्सी भी मिल जाता है, तो आप गौरीकुंड से जो है काफ़ी जल्दी जो है अपना ट्रैक शुरू कर पाएंगे, ताकि आपको जो है ऊपर बाबा केदारनाथ धाम में जाकर अपना स्टे ढूंढने में भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, दोस्तों जो भी भगत दोपहर के 2 से 3 बजे के बाद जाते हैं उन्हें स्टे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी केदारनाथ धाम में स्टेज हैं वह 12 बजे से पहले पहले जो है बड़ी आसानी से जो है बुक हो जाते हैं। यदि आप भी बाबा केदारनाथ धाम में ऑफलाइन में जाकर स्टे बुकिंग करवाना चाहते हैं, चाहे वह होटल का हो, चाहे वह कैंप का हो, चाहे किसी भी चीज़ का स्टे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको 12 बजे से पहले जो है बाबा केदार धाम में पहुँचना पड़ेगा, तभी आप जो है ऑफलाइन में जाकर अपना स्टे जो है बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों यदि प्राइस की बात करें इस समय तो टैक्सी का किराया जो है दोस्तों 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चल रहा है, जो कि आपको सोनपैक से गौरीकुंड या फिर गौरीकुंड से सोनपैक तक छोड़ेगी। और दोस्तों यदि हम बात करें ऊपर जो स्टे का आपका किराया है वह कितना पड़ने वाला, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो भी कैंप घोड़ा पड़ाव के पास में है उनका किराया आपको 1000 रुपये के अराउंड में पड़ने वाला है, जिसमें आपको ग्राउंड बेड दिया जाएगा। यदि हम बात करें बाबा केदारनाथ धाम से 600 से 700 मीटर नीचे डोरमेट्री की, तो दोस्तों वहाँ पर जो कैंप लगे हैं उनका किराया 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चल रहा है, जो कि आपको जो है एक जो बेड होता है चारपाई होती है वह भी उसमें जो है इंक्लूड दी जाती है। दोस्तों यदि हम बात करें ऊपर बाबा केदार धाम में होटल की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा होटल का प्राइस इस समय 2000 से लेकर 2500 के बीच में पर पर्सन के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, ब्रेकफास्ट डिनर प्लस जो गर्म पानी है ये सारी सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पर ही जो है मिल पाएंगी। यहाँ दोस्तों मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऊपर जितना भी इस समय दोस्तों प्राइस है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आप 3 बजे के बाद कोई भी रूम या फिर कोई भी चीज़ अपना स्टे ढूंढते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वह उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है पड़ने वाली है। मान के चलिए यदि आप होटल ढूंढते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से भी देना पड़ सकता है। यदि आप कैंप की बात करें तो कैंप में आपको 1500 से 2000 से 2200 तक भी आपको जो है देना पड़ सकता है अपने रात के एक स्टे का। दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं व आपने बाबा केदार के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन देख ली है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल हेलीपैड के सामने जो है दर्शन की पर्ची के लिए जो है लाइन लगता है, आप वहां पर जो है लाइन में यदि लग जाएंगे तो आपको जो है दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर की जो लाइन लगती है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उसमें आपको लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यह वही लाइन है जो कि आपको टोकन सिस्टम के थ्रू बाबा केदार के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। तो यदि आप टोकन लेकर बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे तो आपको आसानी से 1/2 घंटे के अंदर जो है बाबा के दर्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों ये मैं आपसे क्लियर करता हूँ। बाकी किसी भी भाई को यात्रा संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आ रही है या आपका स्टे वगैरह कुछ भी बुकिंग नहीं है, तो दोस्तों मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है,
888-9988-6383। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई दोस्तों चिंता नहीं करनी है आपको, सिर्फ यात्रा पर आना है। रश देखकर आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ भी दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखिए दोस्तों रश बाबा केदार धाम में बढ़ना ही है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा क्रेज चार धाम की यात्रा में, बाबा केदार का क्रेज़ जो है सभी श्रद्धालुओं में जोरों शोरों से चल रहा है, इसीलिए बाबा केदार धाम में जो है रश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों हम ऊपर ही बैठे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, निश्चिंत होकर कॉल कीजिए दोस्तों, आपकी सहायता जो है वह ज़रूर की जाएगी। बाकी दोस्तों बाबा केदार सबकी जो यात्रा है उसे मंगलमय बनाएं। दोस्तों यही थी आज की अपडेट, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। जिन भी भाइयों को वीडियो पसंद आई हो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा संबंधी कुछ जरूरी अपडेट लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री केदार।